ग्रे मैटर के बच्चों ने नीट के नतीजों में शानदार सफलता अर्जित कर कोचिंग संस्थान का नाम एक बार फिर चमका दिया है। मिथिला के क्षेत्र में तेजी से उभरते इस संस्थान ने अपनी उत्कृष्ट शिक्षण तकनीक के बदौलत अपने बच्चों को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि बिना परदेश जाए ही मिथिला के बच्चे मिथिला में ही रहकर सफलता अर्जित कर सके। वैसे तो दर्जनों छात्रों ने नीट क्वालीफाई किया है, लेकिन इस संस्थान के 8 छात्रों ने 600 से अधिक अंक प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। सफलता से उत्साहित कोचिंग संस्थान की ओर से सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने मम्मी पापा को देना चाहेंगे, जिसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हर कदम पे खड़े रहे। और दूसरा इस वंडरफुल इंस्टीट्यूट के मैटर को, यहाँ के टीचर बहुत ग्रेट है, ऑसम है, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, सारे डाउट क्लियर करते हैं। और यहाँ की सबसे स्पेशल बात, यहाँ टाइम टू टाइम टेस्ट होता रहता है, जिससे एक स्टूडेंट को पता चलता है उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो कि नीट जैसे टफ एग्ज़ाम के लिए एक अहम रोल है। कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और मुझे बचपन से दिली तमन्ना था कि मैं खुद डॉक्टर बनूँ, लेकिन किसी वजह का मैं नहीं बन सका। लेकिन आज हमारी बच्ची ने ये सपना मेरा पूरा किया है, और मेरी बच्ची का जो मेहनत है वो तो है ही है। इसके साथ साथ यहाँ के ग्रे मीटर के जितने भी टीचर हैं उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है बच्चों के साथ। हम लोगों से ज़्यादा जो है यहाँ के जितने टीचर हैं पूरे ईमानदारी के साथ, लगन के साथ बच्चों को अपना बच्चा समझ करके उन्होंने पढ़ाया, और उसका आज जो है रिजल्ट हमारे सामने देखने को आ रहा है। और ग्रे मैटर कोई दरभंगा ही में नहीं, मैं पटना भी गया हूं तो मालूम हुआ कि नहीं, ग्रे मैटर का वहां भी नाम। तो मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चा नीट का तैयारी कर रहे हैं वो पूरे ईमानदारी से और अपने माँ बाप के खुशी के लिए, अपने भविष्य के लिए और समाज के सेवा के लिए, हम चाहेंगे कि कम से कम पूरे ईमानदारी के साथ 12 घंटा मेहनत करें। और ग्रे मैटर के जितने भी टीचर हैं उनसे सलाह मशवरा करके अगर चलें तो इंशाल्लाह आने वाला 2023 जो होगा बहुत और इससे भी अच्छा रिजल्ट है। जी, देर रात नीट 2022 का परिणाम घोषित हुआ है, और आज हम लोग सम्मान समारोह भी हैं। जो भी बच्चे हमारे यहाँ सफल हुए हैं, जिसमें से कुछ बच्चे अभी नहीं आ पाए, और यहाँ पे अभी 6 बच्चे प्रेजेंट हो पाए हैं जिनका 600 से ऊपर स्कोर आया है, और बहुत ही अच्छा रैंक ये लोग प्राप्त किए हैं, और इन सभी बच्चों को सरकारी MBBS कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। कुल कितने बच्चे सर ग्रे मैटर के सक्सेसफुल हुए इस बार नीट के एग्जाम में? जी सर, अभी तो रिजल्ट रात देर रात आई थी, तो अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 बच्चे का स्कोर जो है वो अच्छा है, जो कट ऑफ पार कर रहा है, और उम्मीद है कि 7-8 बच्चों को MBBS का कॉलेज मिल जाएगा हमारे यहाँ से। इन बच्चों को कैसे बधाई दे रहे हैं? देखिए, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये जो नीट का एग्जाम है ये काफ़ी एक बड़ा लेवल का एग्जाम होता है इंडिया में। 18 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, पर इसमें काफ़ी कम गवर्नमेंट सीट्स हैं, तो बच्चे ने काफ़ी मेहनत किया दिन रात। हमारी जो फैकल्टी टीम है बहुत मेहनत की, और दोनों के मेहनत के साथ, और थोड़ा सब कुछ अच्छा रहा, इनका लक भी फेवर किया, तो सब कुछ को लेते हुए इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और ये लोग एग्जाम के बाद स्कोर जोड़े हुए थे, और लगभग उसी बराबर स्कोर भी आया है, और अब इनका स्कोर फाइनली कट ऑफ को पार कर रहा है। जो बच्चे पास नहीं हो पाए उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बच्चे पास नहीं हो पाए उनको अपने बेसिकली गलतियों को ढूंढना चाहिए कि क्या गलती वो किए हैं, और उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि नीट जो मेडिकल का परीक्षा है उसमें भले समय लगता है, बट बहुत जब मिलता है उसमें सफलता तो बहुत ही सुखद एहसास होता है। तो इसके लिए बिल्कुल भी निराश ना हो, और बिल्कुल भी आप अच्छे गाइडेंस के लिए एक बार बिल्कुल आके यहाँ पे क्लास करके देख सकते हैं। जो भी बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो एक बार आके, आपके यहाँ ये बच्चे पढ़ रहे थे तो
इन बच्चों का बिहेव कैसा था और बच्चे ने किस प्रकार से तैयारी कर रहे थे? देखिए बच्चे जो भी थे बहुत डेडिकेटेड, बहुत डिसिप्लिन बच्चे थे, इनके अंदर बहुत लगन था। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पहले से भी ड्रॉप कर लिए थे, जो कहीं ना कहीं थोड़े से मिस्टेक से छूट जाते थे। तो इन लोगों को बेसिकली हम लोगों ने एसेस किया कि कहाँ पे क्या कमी रह जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमने उस पर काम किया और फाइनली आज रिजल्ट आप सबके सामने है। और निरंतर हम लोग पिछले 4 वर्षों से बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं मेडिकल प्रवेश परीक्षा में, और आगे भी हम लोग की कोशिश रहेगी कि हम लोग दिन प्रतिदिन और तरक्की करें और बढ़िया रिजल्ट दें मिथिलांचल में। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर अनिकेत कुमार श्रीवास्तव है, मेडिकल ऑफिसर।